हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। यह आपकी यूएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 15 जिसका नेम है ईट व्हेन यू नीड, यानी जब भी आपको ज़रूरत हो तब खाइए, जब चाहो तब खाइए। इसका फर्स्ट चैप्टर आप देख चुके हैं जिसमें आपको बताया था कि जो हरप्रीत और राजी थे वो ननिहाल जा रहे थे, उनकी गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई थी। तो जब भी वो जाने लगे तो उनकी मम्मा यानी उनकी मॉम ने उठ के उनके लिए जल्दी उठ के पूरियाँ, आलू की सब्ज़ी और पानी की बोतल तैयार की और उनके लिए पूरियाँ बनाई, अचार लिया, मुरब्बा लिया, दाल बनाई, सब लेके वो गए। फिर रास्ते में क्या हुआ, ट्रेन में नमकीन वाला आया और वो नमकीन बेचने लगा। तो बच्चों ने ज़िद की कि हमको भी चाहिए नमकीन। और जो भी वो बेच रहे थे यानी फेरी वाले थे ना, वो आलू बड़े बेच रहे थे या नमकीन बेच रहे थे, तो उनके पापा ने बोला कि बेटा वो भी दिलाएंगे लेकिन पहले तुम्हारी मम्मा ने जो भी लाया है उसको भी खा लो वरना वो ख़राब हो जाएगा। तो बच्चों ने बोला ठीक है। फिर जैसे ही मम्मा ने टिफ़िन खोला तो अंदर से बदबू आई, तो माँ ने बोला कि दाल तो ख़राब हो गई है। माँ ने क्या बोला, दाल तो ख़राब हो गई है। तो राजी ने पूछा कि माँ दाल ख़राब कैसे हो गई, तो माँ ने बताया कि दाल गर्मी से ख़राब हो गई है और मुझे इसको बनाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि गर्मी में चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। थिंक एंड आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। 1. हाउ मस्ट हैव द मदर कम टू नो दैट द दाल हैड स्पॉइल्ड, यानी माँ को कैसे पता चला कि दाल ख़राब हो गई है। तो इसका आंसर है कि दाल की जो स्मेल थी और उसका जो टेस्ट था वो चेंज हो गया था, जिसकी वजह से माँ को पता चल गया। सम अदर फूड आइटम्स वर ऑल्सो देयर, वाई ओनली द दाल हैड स्पॉइल्ड, यानी उनके साथ तो टिफ़िन में और भी चीज़ें थी ना, पूरियाँ थी, आलू की सब्ज़ी थी, चिप्स थी, तो वो ख़राब क्यों नहीं हुई, मुरब्बा ख़राब नहीं हुआ, अचार ख़राब नहीं हुआ। तो वो इसलिए ख़राब नहीं हुआ क्योंकि जो दाल थी उसमें पानी ज़्यादा था और बाकी सब में पानी कम था, किसी किसी में तो नहीं भी था, तो इसलिए दाल जल्दी ख़राब हो गई। वाई डिड द पोटैटो वेजिटेबल नॉट स्पॉइल, पोटैटो वेजिटेबल ख़राब क्यों नहीं हुई, यानी आलू की सब्ज़ी जो बनाई थी वो ख़राब क्यों नहीं हुई। तो आलू की सब्ज़ी तेल में बनाई थी, मम्मा ने आलू की जो सब्ज़ी थी ना उसको तेल में बनाया था, सूखी सब्ज़ी बनाई थी जिसमें पानी नहीं डाला था, इसलिए वो ख़राब नहीं हुई। फिर हैं हैड दे, यहाँ पढ़ रही हूँ मैं, हैड दे ईटन द पोटैटो वेजिटेबल्स आफ्टर 2 डेज वुड इट हैव बीन एडिबल देन, यानी आलू की सब्ज़ी को अगर वे लोग 2 दिन के बाद भी खाते तो क्या वो खाने लायक होती, तो नो, इतना टाइम तो उसको नहीं रख सकते हम, सिर्फ 1 दिन के लिए वो तो काफ़ी है। तो आलू की सब्ज़ी भी 2 दिन बाद तो खा भी हो जाती। फिर हैं विच फूड आइटम विल नॉट स्पॉइल इवन आफ्टर 2-3 डेज, पूरी, पिकल, मैरमलेड और पोटैटो वेजिटेबल, यानी 2-3 दिन बाद अचार, मुरब्बा, पूड़ियाँ, आलू की सब्ज़ी, इसमें से क्या क्या ख़राब नहीं होगा, यानी 2-3 दिन के बाद भी ख़राब नहीं होगा, तो वो है अचार और मुरब्बा यानी मैरमलेड, जो 2-3 दिन के बाद भी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद राजी आस्क्ड हर मदर, राजी ने अपनी मम्मा से पूछा, मॉम व्हाई द पिकल सॉस एंड द टोमेटो वेजिटेबल डिड नॉट स्पॉइल इजीली, कि मम्मा जो अचार है वो, सॉस यानी चटनी और आलू की सूखी सब्जी जल्दी ख़राब क्यों नहीं होती। देन फादर टोल्ड हर दैट द पोटैटो वेजिटेबल इज कुक्ड बाय फ्राइंग इट इन ऑयल एंड इट इज़ ऑलमोस्ट ड्राई, एग्जाम्पल गिवन, नो वाटर कॉन्टेंट इज देयर। Similarly, pickle has oil, salt and vinegar in it and sauce has preservatives. That is why these food items did not spoil. तो जो राजी ने मम्मी से पूछा है तो पापा ने आंसर दिया कि बेटा आलू की जो सब्जी है उसको तेल में बनाया है, ऑयल में बनाया है, उसको ऑयल में पकाया है, और सूखी सब्जी बनाई है जिसमें पानी नहीं डाला है, और अचार उसमें भी ऐसे ही होता है, तेल, नमक, मुरब्बे में भी ऐसे ही होता है, और विनेगर भी होता है उसमें, और जो सॉस होती है उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और इसीलिए ये चीज़ें जल्दी से ख़राब नहीं होती। ओके।
ये देखिए पिक्चर में क्या है, ये आपको दिख रहा है ब्रेड दिख रही है और रोटी यानी चपाती। तो इस पर आपको फंगस दिख रही है जिसको हम फफूंद बोलते हैं। फंगस सीन ऑन द सरफेस ऑफ अ ब्रेड स्लाइस एंड अ चपाती, यानी चपाती और ब्रेड पे फंगस है जो आपको दिखाई दे रही है। देयर इज़ अ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड ड्यू टू मॉइस्चर एयर एंड टेम्परेचर, एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ चेंज इन इट्स स्मेल एंड टेस्ट, सच टाइप ऑफ फूड स्पॉइल्स एंड इज सो मोर एडिबल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड। यानी मॉइस्चर और हवा और जो टेम्परेचर होता है इसकी वजह से जो खाना होता है उसमें फंगस लग जाती है, जिससे छोटे छोटे बैक्टीरिया पैदा होते हैं और उससे स्मेल भी गंदी आने लगती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है पूरा का पूरा, और इसीलिए जो वो खाना होता है वो ख़राब हो जाता है और जो खाना होता है वो खाने के लायक नहीं बचता। खाने को प्रिजर्वेटिव करने के लिए कई सारे केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे वो ख़राब जल्दी से नहीं होता। अब एक्सप्लोर देखिए, ये भी क्वेश्चन है। इफ़ दे आर नॉट प्रिजर्व देन, यानी ऐसी चीज़ें जिनको प्रिजर्व ना किया जाए तो वो क्या होती हैं, यानी डेज भी बताएं आपको। फूड आइटम्स दैट स्पॉइल इन 2-3 डेज, यानी ऐसी फूड आइटम बताओ जो 2-3 दिन में ख़राब हो जाएगी अगर उनको प्रिजर्व ना किया जाए। तो ऐसी चीज़ें हैं सब्जी, दाल, दूध, रोटी, है ना, यानी वेजिटेबल, पल्स, मिल्क एंड चपाती। फूड आइटम्स दैट स्पॉइल इन 3-4 डेज, यानी वो फूड आइटम्स जो 3-4 दिन में ख़राब हो, तो वो है ब्रेड, पराठा, ड्राई वेजिटेबल ऑफ पोटैटो एंड बीटर गार्ड यानी करेला, कर्ड यानी दही। फिर है फूड आइटम्स दैट स्पॉइल इन अ मंथ, यानी वो चीज़ें जो मंथ लगेगा उनको ख़राब होने में, यानी थोड़ी ज़्यादा चलेगी वो, तो वो है बेसन के लड्डू, नमकीन, गुंजे, सॉस एंड बूंदी। ओके, फूड आइटम्स दैट डू नॉट स्पॉइल इवन अ ईयर, यानी पूरे 1 ईयर तक रख सकते हैं उनको, वो क्या है, तो वो है चूरन, पिकल यानी अचार, पोपाडेम यानी पापड़ एंड मार्मालेड यानी मुरब्बा, व्हीट यानी गेहूँ, राइस यानी चावल एंड ड्राई पल्सेस यानी सूखी दालें जो ख़राब नहीं हो। ओके, अब देखते हैं आपका आज का होमवर्क। न्यू वर्ड्स मैं आपको लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ और अब बारी है आपके क्वेश्चन 1 एंड 2 की, जो बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही शॉर्ट हैं, सिंपल हैं। ये देखिए एक्सप्लोर जो अभी हमने पढ़ा है, ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन 1 एंड 2। नेम द थिंग्स दैट गो बैड इन 2-3 डेज, यानी वो चीज़ें जो 2-3 दिन में ख़राब हो जाएगी, तो वो है करी, दाल, मिल्क, चपाती, etc. नेम द थिंग्स दैट गो बैड इन 3-4 डेज, तो वो है ब्रेड, पराठा, ड्राई वेजिटेबल, पोटैटो, बीटर गार्ड, कर्ड, etc. ओके, थैंक यू।